पाठ 3 कवि कुंवर नारायण पृष्ठ संख्या 15 से 20 तक। पृष्ठ संख्या 15 कवि परिचय। कवि कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956 में छपी, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी यह प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास यह कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले यह समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार यह सामान्य है। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगीं, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहां नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीत राग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कविता परिचय। यहां पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं।
वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। पृष्ठ संख्या 16। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। पृष्ठ संख्या 17। कविता, शीर्षक है कविता के बहाने। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। पृष्ठ संख्या 18। कविता, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाफ था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। पृष्ठ संख्या 19। अभ्यास। अभ्यास। कविता के साथ। एक, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। दो, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तीन, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। चार, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। पांच, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। छह, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। सात, बात यानी कथ्य
के लिए बताई गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। कॉलम एक, बिंब या मुहावरा। क, बात की चूड़ी मर जाना। ख, बात की पेंच खोलना। ग, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। घ, पेंच को कील की तरह ठोंक देना। ना, बात का बन जाना। कॉलम दो, विशेषता। क, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ख, बात का पकड़ में न आना। ग, बात का प्रभावहीन हो जाना। घ, बात में कसावट का न होना। ना, बात को सहज और स्पष्ट करना। उदाहरण, ना, बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। पृष्ठ संख्या 20। कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं। कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। व्याख्या करें। क, जोर जबरदस्ती से। ख, बात की चूड़ी मर गई। ग, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चर्चा कीजिए। क, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। ख, चूड़ी, कील, पेंच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें। आपसदारी एक, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहाने कविता में से इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं की तलाश करें। दो, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात और नागार्जुन की कविता बातें ढूंढकर पढ़ें। इसी के साथ आरोह भाग दो का तीसरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ चार आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।